हेमल चौधरी ने कैंपस राजस्थान यूनिवर्सिटी के विश्वविद्यालय में अपना झंडा यहाँ पर डाल दिए। अब बन चुके कैंपस के किंग निर्मल चौधरी। निर्मल चौधरी ये वो शख्स है जो ना रुका है ना रुकेगा, और इनकी आखिरकार मेहनत रंग लाई। अब गई ये निर्मल चौधरी आने वाले विश्वविद्यालय के अध्यक्ष के रूप में देखने को मिलेंगे। कैंपस के किंग खिलाएंगे निर्मल चौधरी। काफ़ी सालों से यहाँ पर निर्मल चौधरी राजस्थान विश्वविद्यालय के जो स्टूडेंट हैं छात्र उनके यहाँ पर सहायता करते आ रहे हैं लगातार। आखिर उसकी यहाँ पर मेहनत का रंग आपको देखने को मिल चुका है, लगातार यहाँ पर मेहनत का रंग है जो अभी यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में सेवा करने का मौका मिला है निर्मल चौधरी का, जो काफ़ी यहाँ पर इसके लिए है बहुत बड़ी बात है। पहले का ये बिना यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में भी छात्रों के यहाँ पर सेवा करते थे, अब अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर सेवा करने का उनको मौका मिला है। तो अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर विजय प्राप्त हुई। टोटल यहाँ पर 1400 प्लस वोटों से यहाँ पर अध्यक्ष के रूप में इनको विजय प्राप्त हुई लगातार। और इनके जो समर्थक है वो काफ़ी यहाँ पर जोश में देखने को मिले। राजस्थान विश्वविद्यालय एंड यूनिवर्सिटी राजस्थान कॉमर्स कॉलेज इनके बाहर जो समर्थक है वो जोर जोर से यहाँ की नारेबाजी कर। निर्मल चौधरी यहाँ पर टोटल कितने वोट है वो अभी यहाँ पर कंफर्म नहीं हो चुका है, मतलब हमें इतना पता है कि यहाँ पर निर्मल चौधरी को 1400 प्लस वोटों से यहाँ पर विजय मिली है। आखिरकार एक और निर्दलीय लीडर के यहाँ पर जीत हुई। लगातार 3 बार राजस्थान यूनिवर्सिटी में निर्दलीय के रूप में अध्यक्ष बन रहे हैं, और अब की बार जो तीसरा कैंडिडेट है वो निर्मल चौधरी अध्यक्ष के रूप में यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा अब से राजस्थान यूनिवर्सिटी में। कहीं निर्मल चौधरी हमेशा स्टूडेंट की हेल्प करने के लिए हमेशा आगे रहे हैं, वो हर कोशिश करते थे कि स्टूडेंट को पूरी से पूरी सुविधा मिले। वो लगातार वर्षों से इसी कोशिश में लगे रहते थे कि स्टूडेंट को हर वो चीज़ मिले जो राजस्थान यूनिवर्सिटी को देनी चाहिए और स्टूडेंट को वो मिलनी चाहिए। और अब की बार जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के अध्यक्ष बन चुके तो काफ़ी आपको यहाँ पर सुविधा मिलेगी निर्मल चौधरी के द्वारा। तो मैं ये उम्मीद करता हूँ कि निर्मल चौधरी यहाँ पर अच्छे से अपना काम करें और स्टूडेंट की हर इच्छा को पूरी करें, कैंपस में भी पूरी करें, और कोई भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो तो उनको जल्दी से जल्दी उसका सॉल्यूशन दे।